तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे सुपरमैन आखिरकार प्लैनेट एपोकैलिप्स पर पहुंच जाता है। वहां पर वो डार्क साइड से लड़ता है। फाइट को देख के ऐसा लगता है कि सुपरमैन डार्क साइड को हरा देगा, पर तभी गोकू बोलता है कि सुपरमैन डार्क साइड को नहीं हरा पाएगा। और आज हम जानेंगे कि गोकू ने ऐसा क्यों कहा। इस बहुत ही अमेजिंग मांगा को लिखा है टॉक्सन आर्ट ने। उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप जाके उन्हें फॉलो जरूर कीजिएगा। जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज आती रहती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। जो लोग चैनल पर नए हैं, वो चैनल के प्लेलिस्ट के टाइम में जाकर अपनी फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। मैं चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी फैन मांगा कवर कर चुका हूँ, तो जाइए और अपनी फेवरेट फैन मांगा देखिए। प्लेलिस्ट के टाइम में आपको सारी की सारी मांगा सीक्वेंस मिल जाएंगी, तो जाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं तो आप मुझे जाके वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं रेगुलर पोस्ट और स्टोरीज डालता रहता हूँ, तो जाइए और मुझसे वहाँ पर भी कनेक्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा न करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। गोकू से लड़ने के बाद जब डार्क साइड सुपरमैन से लड़ता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। सुपरमैन पूरी तरीके से डार्क साइड पर हावी हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं कि डार्क साइड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि बहुत हो गया, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो। वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी कोनी सुपरमैन के सर पर मारता है और गोकू को देख के पता चलता है कि वो इसी बारे में बात कर रहा था। सुपरमैन इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है कि वो डार्क साइड को हरा सके। हम देखते हैं कि सुपरमैन की इस अटैक की वजह से जान निकल जाती है। डार्क साइड बोलता है कि तुम लोग ये मत भूलना कि तुम लोग क्या हो, तुम लोग मेरे सामने बस कीड़े मकोड़े हो। डार्क साइड सुपरमैन की गर्दन को पकड़ लेता है और सुपरमैन को एक चट्टान से दे मारता है। डार्क साइड के इस अटैक से सुपरमैन को काफ़ी चोट लगती है। डार्क साइड बोलता है कि मैं तुम्हें चकनाचूर करके रख दूंगा। हम देखते हैं कि डार्क साइड लगातार सुपरमैन के चेहरे पर पंचेस बरसा रहा होता है। लगातार पंचेस की वजह से सुपरमैन की हालत ख़राब होने लग जाती है। ऐसा लगने लग जाता है कि वो बस बेहोश होने ही वाला है। और इसके बाद डार्क साइड सुपरमैन को इतना ज़बरदस्त पंच मारता है कि उसमें से बहुत ज़्यादा फोर्स निकलती है। गोकू भी इस अटैक को देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो बोलता है कि ये ताकत तो कमाल की है। तभी हम देखते हैं कि सुपरमैन ज़मीन पर आके गिरने लग जाता है, पर डार्क साइड का अटैक अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। वो एकदम से अपने ओमेगा लेजर्स का इस्तेमाल करता है और ये अटैक डायरेक्टली जाके सुपरमैन को लगता है। इतने ज़्यादा फोर्स की वजह से सुपरमैन और ज़्यादा तेज़ी से ज़मीन की तरफ जाने लग जाता है और बहुत ज़ोर से जाके ज़मीन से टकराता है। गोकू इस पॉइंट पर इतना ज़्यादा थका हुआ है कि वो सुपरमैन की मदद नहीं कर पा रहा होता। तभी हम देखते हैं कि डार्क साइड सुपरमैन की तरफ बढ़ता है। वो अपने दोनों हाथों से अटैक बनाता है और एकदम से सुपरमैन की कमर पर अटैक करता है। इस अटैक में इतनी ज़्यादा ताकत थी कि सुपरमैन दर्द से कराने लग जाता है। अटैक की फोर्स की वजह से सुपरमैन के मुंह से खून निकलने लग जाता है और वो एकदम से बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू इससे ज़्यादा सहन नहीं कर पाता। वो बोलता है कि इस तरीके से चलता रहा तो सुपरमैन की कमर टूट जाएगी। वो एकदम से अपनी ताकत को जुटाकर सुपर सैयन में बदल जाता है और एकदम से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। डार्क साइड सुपरमैन से बोलता है, क्रिप्टोनियन इस बार तुम नहीं बच पाओगे, अपनी अलविदा कह दो। पर इससे पहले कि डार्क साइड कुछ कर पाए, एकदम से उससे कोई आके टकराता है। हम देखते हैं कि गोकू उस तक पहुंच चुका है और वो उसके पेट में बहुत ही ज़ोर से अटैक करता है। गोकू अचानक से ही रुक जाता है और डार्क साइड बहुत दूर जाके गिरता है। हम देखते हैं कि गोकू सुपरमैन को ढूंढने की कोशिश करता है और बोलता है कि सुपरमैन प्लीज़ मरना मत, बस तुम कोशिश करो कि तुम ज़्यादा हिलो मत, मैं तुम्हें यहाँ से दूर लेकर चलता हूँ। तभी हम देखते हैं कि सुपरमैन बिल्कुल सही सलामत खड़ा है और गोकू भी ये देख के हैरान रह जाता है। सुपरमैन बोलता है कि मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। गोकू बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। सुपरमैन बोलता है कि क्या हुआ, ऐसा लग रहा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो। गोकू हैरानी में पूछता है कि पर तुम्हारी कमर तो डार्क साइड ने तोड़ दी थी ना। सुपरमैन बोलता है कि हाँ, उस अटैक से मुझे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी, पर मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। गोकू बोलता है कि सच में लगता है जितना मैंने सोचा था तुम उससे काफ़ी ज़्यादा टफ हो। सुपरमैन बोलता है कि हाँ, ये बात तो सही है, पर मैंने भी सुना था कि तुम अभी तक मारे जा चुके होगे, पर तुम अभी भी ज़िंदा हो। गोकू बोलता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था कि मैं मारा जाऊँगा, पर मुझे ये बताओ कि अब क्या करना है। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों मिलकर भी डार्क साइड को हरा सकते हैं। सुपरमैन इस बात पर स्माइल करता है और बोलता है कि तुम बताओ कि हम क्या कर सकते हैं। सुपरमैन ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि गोकू बिना प्लान के ही प्लैनेट एपोकैलिप्स पर आ गया था और वो डार्क साइड से लड़ना चाहता था, और अब वो सुपरमैन से पूछ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि गोकू और सुपरमैन दोनों एक साथ फाइटिंग पोज में आ जाते हैं और गोकू बोलता है कि मैं तो तुम्हें कुछ भी सजेस्ट नहीं कर सकता। सुपरमैन बोलता है कि चलो तो ठीक है, अब हम दोनों एक साथ टीम अप कर लेते हैं और दोनों मिलकर डार्क साइड को हमेशा हमेशा के लिए हरा देते हैं। गोकू बोलता है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ टीम बनाना चाहता हूँ, पर हाँ, अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। और तभी हम डार्क साइड को देखते हैं जो कि गुस्से में गोकू और सुपरमैन की तरफ देख रहा होता है। हम देखते हैं कि गोकू और सुपरमैन ज़मीन पर खड़े होते हैं और वो डार्क साइड का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी सुपरमैन बोलता है, गोकू क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। गोकू सुपरमैन की तरफ देखता है और बोलता है कि हाँ, अभी अभी एक प्लान मेरे दिमाग में आया है।
गोकू बोलता है कि हमारा प्लान ये है कि हमें मरना नहीं है। तभी हम देखते हैं कि डार्क साइड गोकू और सुपरमैन की तरफ बढ़ रहा होता है और वो काफ़ी गुस्से में लग रहा होता है। जैसे ही डार्क साइड गोकू और सुपरमैन के पास पहुंचता है, वो दोनों एकदम से वहां से उड़ जाते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं। सुपरमैन बोलता है कि हाँ, प्लान तो काफ़ी अच्छा था, हमारी शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई। तभी हम देखते हैं कि सुपरमैन एकदम से गोकू को हैरानी से देख रहा होता है, क्योंकि गोकू ने अचानक से ही डार्क साइड पर हमला करना शुरू कर दिया था। गोकू एकदम से जाके डार्क साइड को पंच मारने की कोशिश करता है, पर डार्क साइड अपने आप को बचा लेता है। और इसके बाद सुपरमैन गोकू की मदद करने के लिए जाता है। वो बोलता है कि क्या इंसान पागल है। डार्क साइड गोकू को पंच मारने की कोशिश करता है और बोलता है कि कीड़े कहीं के, मुझसे दूर रहो। तभी एकदम से सुपरमैन डार्क साइड तक पहुंच जाता है और उसके चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। डार्क साइड इस अटैक को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इसीलिए उसे इस अटैक से काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है। इसके बाद गोकू और सुपरमैन दोनों मिलकर डार्क साइड पर हमला करने लग जाते हैं। गोकू एकदम से पीछे होता है और डार्क साइड के चेहरे पर बहुत ही ज़बरदस्त लात मारता है। इस पॉइंट पर सुपरमैन और गोकू के सामने डार्क साइड कुछ भी नहीं कर पा रहा होता और वो दोनों डार्क साइड पर पूरी तरीके से हावी हो जाते हैं और लगातार उस पर पंचेस बरसा रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि सुपरमैन डार्क साइड की कमर पर बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। डार्क साइड के चेहरे से पता चल जाता है कि उसे इस अटैक से काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। पर तभी गोकू और सुपरमैन दोनों एक साथ डार्क साइड पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुपरमैन एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच डार्क साइड के चेहरे पर मारता है और इससे डार्क साइड के मुँह से खून निकलने लग जाता है। और तभी गोकू भी सेम चीज़ करता है, वो भी एकदम से डार्क साइड के पास पहुँच जाता है और उसके चेहरे पर दूसरी तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और सुपरमैन दोनों डार्क साइड पर लगातार पंचेस बरसा रहे होते हैं, पर तभी ऐसा लगने लग जाता है कि डार्क साइड को इन अटैक से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। हम देखते हैं कि गोकू बहुत बुरी तरीके से थक चुका है। गोकू के चेहरे पर उसकी थकावट बहुत साफ दिख रही होती है। और तभी सुपरमैन का ध्यान गोकू के हाथों पर जाता है। गोकू के हाथों में से बहुत ही बुरी तरीके से खून निकल रहा होता है और ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि गोकू ने अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं किया है। और हम देखते हैं कि आखिरकार गोकू थक चुका है। डार्क साइड पर अटैक करते करते गोकू अचानक से रुक जाता है और ऐसा लगता है कि अब वो इससे ज़्यादा नहीं लड़ सकता। सुपरमैन बोलता है कि उसके हाथ तो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, उसने पूरी तरीके से रिकवर नहीं किया था और अब उसे और भी ज़्यादा इंजरीज हो गई हैं। डार्क साइड को भी ये बात समझ आ चुकी होती है क्योंकि गोकू के पंचेस से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। और तभी वो गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो जानता है कि ये उसके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। डार्क साइड एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच बनाता है और इस पंच को वो गोकू को मारता है। ऐसा लगता है कि गोकू इस पंच की वजह से ज़मीन में धंस गया। तभी हम देखते हैं कि सुपरमैन गोकू को बचाने के लिए आ रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे तो लगा था कि हम दोनों उससे लड़ पाएंगे, पर हमारा प्लान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। इससे पहले कि सुपरमैन गोकू को डार्क साइड से बचा पाए, डार्क साइड उसे देख लेता है और सुपरमैन के चेहरे पर एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच जड़ देता है। वो बोलता है कि हमारी लड़ाई के बीच में आने की ज़रूरत नहीं है, तुमसे भी मैं जल्दी निपटूंगा, पर पहले इसकी बारी है। गोकू धीरे धीरे करके खड़े होने की कोशिश करता है और डार्क साइड बोलता है कि पहले मैं इससे निपट लेता हूँ। डार्क साइड गोकू की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने अपना दिमाग बदल दिया है, अगर मैं तुम्हें और सुपरमैन को मार दूंगा तो मुझे दुनिया में कोई भी नहीं रोक पाएगा। जितनी ताकत मैं तुमसे ऑलरेडी इकट्ठी कर चुका हूँ वो मेरे लिए काफ़ी है। उतनी ताकत के जरिए मैं इस यूनिवर्स को ऑलरेडी जीत सकता हूँ, जिसका मतलब ये है कि मुझे अब तुम्हारी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इससे पहले कि गोकू कुछ कर पाए, वो एक बार फिर से गिर जाता है, पर वो अभी भी दुनिया को बचाना चाहता है। वो बोलता है, डार्क साइड, मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। डार्क साइड बोलता है, अच्छा तो मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कैसे रोकोगे। गोकू बोलता है कि मेरे पास अभी भी थोड़ी सी ताकत बाकी है। डार्क साइड बोलता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, पर किसने कहा कि मैं तुम्हें हिलने दूंगा। अब तुम मेरी नज़रों के सामने से बिल्कुल भी नहीं हिल पाओगी। ये बोलते बोलते डार्क साइड एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच गोकू के पेट में मार देता है और इससे गोकू बेहोश हो जाता है। उसके मुँह से खून निकल रहा होता है और उसकी आँखें धीरे धीरे करके बंद हो जाती हैं। डार्क साइड गुस्से में बोलता है कि मेरा अगला अटैक मेरा लास्ट अटैक होगा। और इसके बाद वो एक और पंच बनाता है। वो बस गोकू पर अटैक करने ही वाला होता है और गोकू अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तभी अचानक से डार्क साइड को एक आवाज़ आती है और वो मुड़के देखता है। सुपरमैन एकदम से डार्क साइड के पास पहुँच जाता है और वो उसके पेट में एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। इससे डार्क साइड थोड़ा सा पीछे हो जाता है और तभी सुपरमैन दूसरा पंच मारता है और डार्क साइड बहुत दूर जाके गिरता है। सुपरमैन गोकू को उठा लेता है और बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। डार्क साइड थोड़ी दूर से सुपरमैन को देख रहा होता है, जो कि गोकू को बचा कर ले जा रहा होता है। डार्क साइड बोलता है, अच्छा तो तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, पर मुझे पता है कि तुम मुझसे ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुमने गिरा दिया था। गोकू इस वक्त बेहोश है तो वो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकता और सुपरमैन के पास अब बूम ट्यूब नहीं है, जिससे वो वापस धरती पर नहीं जा सकता। तो यानी कि गोकू और सुपरमैन दोनों प्लैनेट एपोकैलिप्स पर फंस चुके हैं। देखना यह है कि वो वापस धरती पर कैसे जा पाते हैं या फिर वो किस तरीके से डार्क साइड को हराएंगे। ये सब कुछ हम जानेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।
जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोज़ लेकर आता हूँ। अगर आप ड्रैगन बॉल के अलावा दूसरे एनिमेस को भी पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल कॉमिक वाने को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर मैं सुपर हीरो से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ, स्पेशली मार्वल और DC का। वहाँ पर भी मैं रेगुलर वीडियोस पोस्ट करता हूँ, तो आपको जिस भी चैनल में इंटरेस्ट हो आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।